हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आपको मेरा प्यार भरा जोहार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त हैं। स्वागत है आपको फिर से मेरे नए ब्लॉग में। और आज फ्रेंड्स देख सकते हैं सुबह सुबह लकड़ी उठा रहे हैं, क्योंकि इसे कोयला जलाएंगे, इसलिए थोड़ा सा उठा लेते हैं लकड़ी। देख सकते हैं इतना सारा ये लकड़ी चूने हैं और इसी से कोयला चलाएंगे। और अगर मेरे चैनल में नए हैं और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आगे ब्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए। एक कोयला चूल्हा है जहाँ हम लोग खाना चढ़ाते हैं, उसको तो तोड़ रहे हैं, इसलिए अभी हम लोग इसी में खाना चढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए इसी में खाना चढ़ाते रहेंगे। इस तरह लकड़ी दे देंगे इसमें। ऊपर से कोयला दे देंगे। घर का काम सब कर लिए हैं और अभी रेडी हो गए हैं क्लास जाने के लिए। आज बाबू का स्कूल छुट्टी है, इसलिए आज हम अकेले क्लास जा रहे हैं। आज आपको करवाते हैं मेरे गरीब घर का होम टूर। और प्लीज कोई भी गलत कमेंट मत कीजिएगा। अभी क्लास से पहुंच रहे हैं और सच में इधर तो बहुत धूप दे रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है। तो इस तरह फ्रेंड्स जो आपको वीडियो दिखाया पहले, वो मतलब कुछ दिख नहीं रहा था, पर उसमें दो सांप था, वो दोनों मतलब अटखेलिया खेल रहे थे। कुछ बहुत सारा कोई मतलब गाड़ी खड़ा करके देख रहा था और कैंप के बगल ही मतलब ये सीन देखने को मिला। तो बहुत सारा भीड़, मतलब बहुत भीड़ हो जा रहा था वहाँ पर। तो पुलिस वाले अंकल लोग बोल रहे हैं चलो भीड़ नहीं लगाना है, तो इसलिए हड़बड़ी में मतलब थोड़ा बहुत कैप्चर किए। और उसके बाद फिर डर भी लग रहा था कि कहीं वो दोनों मतलब हम ही लोगों की तरफ ना आ जाए, इसलिए बहुत ज़्यादा देर तक वीडियो नहीं किया। तो ठीक है, मेरे घर का आपको हम टूर करवाएंगे। घर तोड़ रहे हैं एक साइड का घर, तो बहुत सारा धूली सब धूल मिट्टी सब निकल रहा है, तो जिससे कि घर गंदा हो जा रहा है और घर इसलिए ठीक से साफ़ नहीं कर रहे हैं। और घर का टूर इसलिए करवाने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि पता नहीं कब किधर से घर टूट जाएगा। आपको दिखाएंगे हम लोग गरीब का गरीब घर कैसे होता है। तो फ्रेंड्स ब्लॉग पे आगे कंटिन्यू बने रहिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं मेरे घर की होम टूर की ओर। होम टूर इसलिए भी करवा रहे हैं क्योंकि इसी घर में हम शादी करके आए थे और अभी घर बन रहा है, तो हो सकता है ये आधा भाग टूटेगा, तो बस इसलिए भी होम टूर करवा रहे हैं। और इस तरह बाहर से हम लोग का घर दिखाई देता है एकदम रेलगाड़ी की तरह। बस इसमें रेलगाड़ी का जो ड्राॅइंग है वो बना देंगे तो लगेगा कि सच में रेलगाड़ी ही है। अधिकतर गांव में ऐसे ही लंबा लंबा घर रहता है, दीवार मतलब बहुत ही लंबा रहता है। और यहाँ देख सकते हैं फूल तो हम ही बनाए हैं, लेकिन फूल को कलर करने के लिए मेरे पास अभी तो टाइम है ही नहीं। ये घर देख सकते हैं, यहाँ पे पहले गाय और बकरी सब था, पर अभी नहीं है क्योंकि गाय बैल बकरी को देखने के लिए कोई नहीं है, इसलिए बेच दिए सबको। यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा धान है जो कि ढक के रखे हैं, नहीं तो बकरी गाय सब घुस के खा जाएगा, इसलिए ढक दिए हैं। और इधर देख सकते हैं सीमेंट है, आगे में है बाइक और स्कूटी। ये बाइक ऋषभ के छोटे मामा जी का है, पर वहाँ भी बहुत सारा गाड़ी है तो इसलिए वो लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ रहा है इस गाड़ी का। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर रहता है ये गाड़ी। और उधर है मेरा स्कूटी और स्कूटी के आगे है कूलर जो कि ख़राब हुआ है, बनवाए नहीं है अभी तक हम लोग। और यहाँ पे दो टीवी है जो कि हम लोग देखते नहीं हैं, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, सोच रहे हैं बेच देंगे टीवी। और यहाँ देख सकते हैं चेयर में बिछौना रखे हैं, क्योंकि जहाँ घर था ये बिछौना वहीं पर था तो उसको तोड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर चेयर में रखे हुए हैं ये बिछौना। ये हार्ट शेप हम ही बनाए हैं, जब बोर्ड का काम सीख रहे थे तब ये बनाए हैं। और ये पूरा ऊन का बना हुआ है और बीच में स्टोन है, देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है हार्ट शेप। और इधर ऋषभ का फ़ोटो है, जब ऋषभ 1.5 साल का था तब का फ़ोटो है। और फ्रेंड्स देख सकते हैं ये कुशन बनाए हैं हम, जब हैंडीक्राफ्ट सीख रहे थे तो उस समय ये कुशन बनाया है। ये सोफ़ा में लगाने के लिए है, पर सोफ़ा हम लोग का नहीं है इसलिए इसको पलंग में सजा के रखे हैं। और ये है ऋषभ का स्टडी टेबल, यहाँ चेयर है, चेयर में बैठ के स्टडी करता है। और ये वाला रूम मेरा सिलाई रूम है, यहाँ देख सकते हैं मशीन है। ये वाला पलंग में ऋषभ का भी ऐसा होता है।
और इधर फ्रिज है, होम थिएटर है, और अभी खाना सब रखे हैं यहाँ पे काम चलाने के लिए। इधर गैस चूल्हा है और ये आंगन है, अभी काम चल रहा है तो आंगन बहुत गंदा है हम लोग का, देख सकते हैं जहाँ तहाँ रखा हुआ है सामान सब। यहाँ देख सकते हैं ये अलग घर को हम लोग तोड़ रहे हैं, क्योंकि जो घर बन रहा है उसके फ्रंट साइड में पड़ रहा है, इसलिए इतना मेहनत से बना हुआ है घर। मतलब घर बनाने में इतना मेहनत लगता है लेकिन तोड़ने में 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, इतना मजबूत घर को हम लोग तोड़ दिए हैं, मतलब तोड़ रहे हैं, पूरा पूरी नहीं टूटा है। और ये फूल सब हम ही बनाए हैं, लेकिन बेचारा टूट जा रहा है ये घर। और ये अंदर साइड घुसेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे है पूरा मिट्टी ही मिट्टी। और इसी चूल्हा में हम लोग खाना सब बनाते थे, और देख सकते हैं यहाँ पहले खाना चढ़ाए थे, तो ऐसे ही में घर हम लोग को तोड़ना पड़ रहा है, राख ऐसे ही रखा और हुआ जो भी है। घर बन रहा है जो कि पूरा नहीं हुआ है, ये इधर बगान जाने के लिए रास्ता है, और इधर बगान बगान जाने के लिए निकल रहे हैं। देख सकते हैं सरकार की योजना घर घर जल हम लोग के घर भी पहुंच गया है, और अभी हम लोग को पानी का दिक्कत नहीं हो रहा है, नहीं तो हम लोग का मोटर ख़राब हो जाता है तो हम लोग को नदी या तालाब जाना होता है कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए। लेकिन अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर यहाँ से पानी आएगा तो यहीं से ले लेंगे। और अभी देख सकते हैं पानी का यूज भी हो रहा है, नल मतलब पाइप लगा दिए हैं, काम चल रहा है। तो और घर घर जल की योजना आपके घर पहुँची है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताएं, हम लोग तक तो पहुँच गई है, ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है। इधर तो बगान है हम लोग का देख सकते हैं, और जो कि पूरा खाली है, कुछ नहीं है बगान में। ये कटहल दिख तो नहीं रहा है पर थोड़ा बहुत है, बेच के कम कर दिए हैं। देखो मोटकू मोटकू, नहीं करो नहीं करो। यहाँ सीढ़ी बनाने का काम चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है, बहुत काम अभी बाकी है ही। तो फ्रेंड्स, इस तरह आपको दिखा दिए कि हम लोग का गरीब घर कैसा है, और इसी घर में हम शादी करके आए थे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का मेरा ब्लॉग बस यहीं तक है, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।